विधानसभा सत्र के पहले दिन आज कई विधायक विधानसभा पहुंचे। इस दौरान कई मंत्रियों और विधायकों ने डीएनएल से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ उनके पास है प्रदीप जायसवाल जी, हमारे साथ है। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। आपके सामने एक बड़ी चुनौती सबसे पहले तो इस सरकार की स्थिरता को लेकर है। लगातार बीजेपी ये दावा करती आ रही है कि आपके पास बहुत बारीक बहुमत है, कैसे निपटेंगे इस चुनौती से? क्योंकि कांग्रेस के 114 विधायक आप जानते हैं और मेरे साथ मुझे लेकर 4 निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं। बसपा सपा के भी 3 लोग हमारे साथ में कल बैठक में भी थे और आज आप देखेंगे सदन में भी हमारे साथ में, तो 121 विधायक साथ में हैं। तो ऐसी कोई चुनौती सरकार को स्थिरता को लेकर मुझे महसूस नहीं होती, सरकार आराम से चलेगी, सबका समर्थन। मध्य प्रदेश की जो खनन नीति है उसको लेकर सवाल उठते रहे। शिवराज सिंह सरकार ने जो खनन नीति बनाई थी, पंचायतों को अधिकार दिए थे, आपकी क्या योजना है, इसमें किस तरह के परिवर्तन करें? मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ और बहुत चुनौतीपूर्ण है। माननीय कमलनाथ जी ने कहा है मुझे 1 महीने के अंदर रेत नीति और खनिज नीति बनाने का। मैं सभी अधिकारियों से चर्चा कर रहा हूँ। अभी मैंने सारे खनिज अधिकारियों, खनिज इंस्पेक्टरों को बुलाया और सबकी क्या परेशानियाँ, क्या दिक्कतों लेकर एक ऐसी खनिज नीति बनाने का प्रयास चल रहा है जिसमें सरल रूप से और सस्ती दर पर लोगों को रेत मिले। अवैध खनन जितने माफिया भूमाफिया है, धनबल बाहुबली लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15 साल का काकस है, उसको मैं तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और चूंकि अभी तोड़ने का प्रयास हो रहा है इसलिए थोड़ा सा हिंसा घटना कुछ लोग कर रहे हैं, उनके हाथ से सत्ता जाने वाली है। तो कुल मिला के दिया बुझने के पहले से जो भवकता है इस तरह का कुछ काम होगा, लेकिन आप देखेंगे 1 महीने के अंदर इतनी मजबूत नीति लाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सारी घटनाएं होना बंद हो जाएगी और लोगों को सस्ते दर पर। धन्यवाद प्रदीप जी। मध्य प्रदेश की नई खनन नीति पर विचार कर रहे हैं, देखना होगा आने वाले समय में नई खनन नीति किस रूप में सामने आती है, उपभोक्ताओं को वाजिब दामों पर इस तरह के जो खनिज उत्पाद हमें मिल सकें, इसकी तैयारी प्रदीप जायसवाल कर रहे हैं। कैमरामैन सईद के साथ डॉक्टर राकेश पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। केपी सिंह कक्का जी, कक्का जी कल विधायक दल की मीटिंग में आप नहीं पहुंचे, क्या नाराजगी है क्या? मैं 11:15 बजे रात को भोपाल पहुंचा, विधायक दल के बैठक में कहां से पहुंचता। अच्छा कक्का जी, आपको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, आप वरिष्ठ मंत्री हैं और माना जाता है कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा चेहरा है आप शिवपुरी में, तो क्या आपको नाराजगी नहीं है? अगर नाराजगी नहीं है तो फिर ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? अब ये तो काम माननीय मुख्यमंत्री जी का है और हमारे हाईकमान का, किसको मंत्री बनाना किसको नहीं बनाना। बनने की चाहत तो बहुत लोगों में होती है लेकिन हर एक की तो पूरी नहीं होती। अगर आपके क्षेत्र की जनता भी बड़ी नाराज नजर आती है, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला है और लगातार आपके साथ वो है और दुखी भी है, क्या माना जाए? आपके क्षेत्र की जनता दुखी है तो फिर आप क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं? अब देखिए, हमारा एक्शन लेना हमारा काम नहीं है। क्षेत्र की जनता में स्वाभाविक रूप से नाराजगी बनती है और जब जो उनको लगता था कि ये होना चाहिए नहीं हुआ, स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन ये काम मेरा नहीं है, ये कमलनाथ जी का और हमारे कांग्रेस के चीफ है राहुल गांधी जी, उनका काम है कि क्या उनको निर्णय करना है। बिल्कुल, ये थे केपी सिंह कक्का जी जो लगातार कह रहे थे कि इस बार उनमें नाराजगी नहीं है, लेकिन अगर उनकी बातें की जाएं तो वो लगातार दुखी दिखे क्योंकि उनकी मंत्री नहीं बनाया गया, साथ साथ में उनका विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचना कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी साफ स्पष्ट करता है। वीडियो सहित के साथ मैं नरेंद्र डीएनएल न्यूज भोपाल।